नमस्कार, ज्योतिष उपाय ही उपाय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। तुलसी की माला हमारे जीवन में हमारे बहुत सारे कष्टों को दूर करती है। हम कई बार बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, लेकिन हमें ये मालूम होता है हमारे घर के अंदर ही, घर के इर्द गिर्द ही कुछ चीजें हैं जो हमें कभी भी बीमार नहीं होने देंगी। और खास करके जब हम स्किन डिजीजेस की बात करते हैं, जब हम संक्रमण की बात करते हैं, इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो तुलसी हमेशा हमें सुरक्षित रखती है। हमारे घर आंगन की तुलसी, सिर्फ तुलसी एक पौधा नहीं है, वो एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी एनर्जी को भी पॉजिटिव बना करके रखती है, जो आपको बीमारियों से दूर रखती है। तुलसी की लकड़ी जो होती है, अगर आपके घर में तुलसी सूख जाती है, उसकी लकड़ी होती है, हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस लकड़ी को आपने लेना है। उस लकड़ी को आपने छोटा छोटा धागा लपेट करके एक माला का फॉर्म बना लेना है। जब भी आप स्नान करने लगे, सिर्फ रविवार को छोड़ करके जब भी आप स्नान करने लगे, अगर आपको स्किन डिजीजेस ज्यादा हैं, संक्रमण जल्दी हो जाता है, मानसिक अवस्था आपकी कमजोर रहती है, आप परेशान ज्यादा रहते हैं, स्ट्रेस ज्यादा होता है, इरिटेशन ज्यादा होती है, तो आपने उस लकड़ी से बनी हुई जो तुलसी की माला है, आपने वो गले में धारण करके ही स्नान करना है। लेकिन धारण करने से पहले आप एक बार पूरी बॉडी के ऊपर सारा जल डाल चुके होने चाहिए, पहला स्नान आप कर चुके होने चाहिए, उसके बाद ही आपने गले में माला डालनी है और उसके ऊपर पानी डालना है, ताकि वो पानी आपकी पूरी बॉडी के ऊपर पड़े। और उसके बाद आपने तुलसी की माला उतार करके एक साइड पर रख देनी है, सुरक्षित रख देनी है। दोबारा आपने अगले दिन फिर वैसे ही प्रयोग करना है। मात्र कुछ दिन लगातार जब आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे माला का, यकीन मानिए आपकी बॉडी से स्ट्रेस तो दूर होगा, संक्रमण दूर हो जाएगा, आपकी बॉडी में एलर्जी कम होगी, आपकी स्किन जो है काफी अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा और स्ट्रेस नहीं होगा। तो देखा आपने कितनी चमत्कारी होती है तुलसी की माला। यकीन मानिए हम और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है। मेरी अगली वीडियो का करें इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।